अपलोड कर रहे हैं। कुछ सब्सक्राइबर बहुत नाराज हो रहे हैं कि तुसी डेली क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। अपलोड डेली करना मेरे पास तो पॉसिबल नहीं क्योंकि बाकी भी बहुत वीडियोज़ ने जिन्हें सानू कमेंट आते हैं कि तुम यह वीडियो पाओ तो वो पाओ। असं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि लैके आई हर हफ्ते भी दो वीडियोज़ आ ही रही ने मेरे पास तुम्हो तो तुम जरूर देखते जाओ सानू कमेंट करते जाओ किस तरह लग रहा है। अज असी देख जा रहे हैं एपीसोड 3 उसका पार्ट 1। चलो देखते हैं मेरे पास तुम हो ड्रामा नाल मिलके। अगर तुम हूँ तक साढ़े चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो पहले सबसक्राइब कर लो। और I'm sorry, but I can't. Trust me. पर आई और तो डांस ले कुछ व्याही हुई है वो बच्चे वाली। वो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। क्या? आप सुनिए। आप प्लीज इस बात पर नाराज मत होइए। ऐसा मत कहिए। जिसका दिल टूटेगा वो नाराज तो होगा। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं। और हस्बैंड ने बताया बस ऐसे ही कहने लगा कि आप और आपके हस्बैंड डांस क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा कि तुम्हें डांस नहीं आता। मुझे डांस करना नहीं आता। सॉन्ग ऐसी करके म्यूट हो गया मेरे ख्याल उन्होंने आवाज म्यूट कर दी। क्यों? कॉपीराइट। हस्बैंड डांस कराएगा। चल Don't worry, your husband is busy now. शादी कब हुई? 7 साल हो गए। और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो सरकारी ऑफिस में मुलाजिम। लव मैरिज हुई? जी। तो बहुत खुश क्यों नहीं आया? इट हैपेंस। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि वो मिल गई। जवाब दो तुम से अपने मैरिज के सुन लो। फिर एक ही साल में मुझे पता चला कि मैंने तो सब कुछ गवा दिया। बट आई एम परफेक्टली फाइन। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। कोई पूछे तो मैं भी यही कहता, भरम भी तो रखना पड़ता। जान के उछाल है ना। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बंद। मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस करवाने पे डालते हैं। जो
ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਗਾ। घर पहुंचने तक कुछ ना पूछो प्लीज। दानिश भाई, आप मेविश कहां जा रहे हैं आप लोग? क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल शादी पे आएंगे ना, चलें। ओ हाँ, वो पैसे निकालो। ये ले आपके 80,000, मैं लेट हो गया तो इसने आपसे उधार लेकर नेकलेस खरीद लिया, बट थैंक यू सो मच। चलो कल शादी पे मिलते हैं, बाय। चलो सोने जाओ, मुझे भूख लग रही है मामा। ते पापा को तो मैं ऑमलेट बना देंगे। रुको महेश, जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पे गुस्सा दिखा रही हो मुझे। क्या बेशर्मी की है मैंने? स्टॉप इट महेश, तुम जानती हो तुमने क्या किया। तुम भी तो वही कर रहे थे, अनुषा के कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे। अनुषा मेरी बहनों की तरह, तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? स्टॉप इट महेश, खामोश। अपने शौक, अपने नेकलेस बस दिखावा। रोटी तो दो पा के खिला के भी नहीं आए। मैं जानता हूँ मुरव्वत दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया होगा, मगर थी तो गलत ही ना। क्या मुझे गुस्सा नहीं आया? बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो मैं तड़प के मर नहीं जाऊंगा। कोई कीमा बर्दाश्त करे कि ये हाथ, ये बाहें, ये कमर, ये सब मेरा है। मैं जानता हूँ पजेसिव हूँ, बहुत पजेसिव, मगर ये प्यार पजेशन के बगैर प्यार होता है? जो भी है, तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था। मुझे उस वक्त यही ठीक लग रहा था, मैं भी कोई अंदर रुकना पाना, तुम्हें लेकर भेड़ियों के नरगे में आ गया। I'm sorry मैं, मैंने अनुषा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं वहां एंजॉय करने गया था और डर कर वापस आ गया। डर तो मैं गई हूँ दानिश, और दुख इस बात का है कि मैं तुमसे डर गई हूँ। This is so unfair. तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय कह रही हो कि तुम मुझसे डर गई। दानिश प्लीज, मुझे अकेला छोड़, मुझे समझने दो कि ये सब कुछ हुआ क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा। मैंने भी तो एक डरावना ख्वाब देखा, मैं भी तो डर गया हूं। मैं भी दोनों समझती लगा कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो।
मुरव्वत में एक औरत की हुर्मत को भूल जाते। एक बार बैठ के सोचो तो सही, प्यार में ऐसा कौन सोचता है कि लोग क्या सोचें। तुम्हें तो बस यही सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। बाजार जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लाऊं, और वो जो तुम पे गुस्सा किया उसके लिए सॉरी। खत्म कर देनी चाहिए गल, तो बहुत खुश क्यों नहीं है? देखो किसी का जो जहर खोलिया होता है ना सामने, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था दिल्ली से उन्हें पा लेते हैं कि ना, सब कुछ बन गया दिमाग में पिया हुआ है। लेकिन साहब मुझे पता चला कि मैंने तो सब कुछ गवा दिया। लोग कहते हैं कि माने जो लालच थी ना, कि हमें किसी अच्छी जगह होती। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। आप ही को तो याद कर रहा था। आई मीन यस, अभी थोड़ी देर पहले तो मुलाकात हुई आपसे। तो आप वहां से चले क्यों आए? मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो तो लग रहा है, आइए आपको मैं। नहीं नहीं शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। देखिए तकल्लुफ ना करें, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं क्यों नहीं ठीक लग रहा आपको? क्या हुआ मुझे? आई एम ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। आप जाइए अपना रास्ता लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? चाहिए ओके, मैं जाता हूं। चलो अब ये मिल्क भी पूरा फिनिश करना है। खाली हाथी आएंगे। क्या हुआ तुम्हें? लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सुला दो प्लीज, मुझे नहीं था। ये पूरा फिनिश करना। अच्छा दिलो ना खबर आ गया ना, समझ नहीं आ क्या हुआ है तुम्हें? दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसे चाहते हैं हायर कर लेते हैं, जिस चीज को चाहते हैं खरीद लेते हैं। तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जिसके पास जो कुछ है वो उसको मुबारक। तो मुझे पता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एनी कदर कर ले अपनी वाइफ सबसे खूबसूरत,
सबसे अनमोल। पूछो मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? तुम मेरे पास तो रात को क्या हुआ था तुम्हें? रात को क्या हुआ था? याद नहीं है। अच्छा वो डांस वाली बात छोड़ो, भूल जाओ। तुम भी भूल जाओगे ना? तो भूल भी क्या, तुम्हें लगा मुझे याद है? याद है, मेहंदी से लौट कर आए तो कहाँ गए थे? हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम। कहीं भी नहीं, मैं तो आते ही सो गया था। महवेश याद नहीं कितनी जोरों की नींद आ रही थी मुझे। चेक कर रही हो? ऐसे जोक हम बचपन में क्या करते थे। ये जोक नहीं है दानिश। रात को तुम बाजार गए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि मेहंदी से हम बिना कुछ खाए पिए वापस आ गए थे। मैं सचमुच बाजार गया था। मुझे तो लगा कि हमने रात को कुछ खाया ही नहीं। बताओ जरा क्या लेकर आया था मैं? नथिंग। तुम खाली हाथ वापस आ गए, बल्कि इस तरह भागते हाँपते आए जैसे किसी को देखकर डर गए हो। मम्मी सियानी होती ने कुछ और बना के देता है। वो ख्वाब नहीं था। ख्वाब? नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, मैं खाना लेने तो गया था। फिर क्या हुआ? हाँ, मैं पहुंचने ही वाला था कि गाड़ी से टक्कर हो गई मेरी। नहीं नहीं, टक्कर नहीं हुई, मुझे लगा कि टक्कर हो गई और मैं गिर गया हूँ। तभी तो मैं डर गया था। और पता है क्या, फिर मैं वहाँ से ऐसे भागा जैसे वो मुझे खा ही जाएगा। कौन? वो गाड़ी वाला उतर के आया मुझसे झगड़ा करने के लिए, और मैंने उसको मुँह नहीं लगाया। मतलब वो ख्वाब नहीं था। रूमी तो भूखा ही सो गया होगा। नहीं, उसे मैंने दूध पिला दिया था। गुड, मतलब मैं सचमुच गया था बाजार। मतलब वो ख्वाब नहीं था। इफेक्ट पे जो भी तुम कहोगे। बिरयानी कोरमा वगैरह नहीं? चलो जो तुम्हें मुनासिब लगे बना रहे। रूमी कब उठेगा, इसे तो जगाएं, नाश्ता तो कर ले कम से कम। रूमी आज एपिसोड देखे है, सी एपिसोड 3 मेरे पास तुम हो एंड पार्ट 1 ऐसी देखे है। और हम तक दी जो स्टोरी थी, जिवें सानू पता है कि वो लोग ब्याह के फंक्शन पे गए सी और उठे जाके की होया कि डांस पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए, और हस्बैंड ने जब रियलाइज किया और बस गुस्से च, और किन्ना किसी नु मम्मा सदमा लग सकता है कि वो आके उनु बाजार से देखते उनु कीवे परेशान हो गया है। और जो दिखा रहे कि उनु याद तक नहीं है कि मैंने की होया, या वो समझ रहे कि मेरा बुरा सपना कुछ हो गया है। मतलब शॉकिंग है, पर मैंने ऐसे जो वाइफ द रोल है, मतलब वो कि मैं बेफिक्र सी है और उनु कोई पड़ी नहीं है किसी की, उनु अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही है। तो अजीब है चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि कुड़िया नु ए चीजा फील होंदी है ना। एज अ गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी की नजर मेरे वो सही नहीं है ना, तो अनु भी पता लग जाता है। बिल्कुल पता लग जाता है। ए जो कुड़ी दिखा रहे हैं जो ड्रामा में, अनु बिल्कुल रियलाइजेशन ही नहीं है कि कोई मेरे अंदर गलत उतना देख रहा है। देखने वाला ही ये कि वो अमीरी देख के शानू शो को देख के इंप्रेस हो गई और बीच खिंचाव पैदा हो जाने बस। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ड्रामा दिन ब दिन। असि देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड 3 दे नेक्स्ट पार्ट विच की होएगा। जल्दी लेके आवांगे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ।